तो दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत पदामचेन का ये ब्यूटीफुल होम स्टे से आपके साथ बात कर रहा हूँ। ये होम स्टे का रिव्यू कर रहा हूँ, कैसा है होम स्टे, रूम क्या है, कितना कम खर्चे में ये होम स्टे मैंने बुक किया, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। कैसे ये पहाड़ों के बीच में, ये खूबसूरत सा पहाड़ों के बीच में ये पूरा हैंगिंग होम स्टे कैसे आप भी बुक कर सकते हो, यार पहाड़ का सीनरी का मज़ा कैसे ले सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो में देंगे। कितना खर्चा, कैसे आओगे, रूम कैसा है, पूरा इन्फॉर्मेशन ठूस ठूस के इसमें देंगे। तो सबसे पहले चलिए आपको दिखाते हैं रूम कैसा है, जो मेरा मैंने रूम लिया है। हाउ इज़ द रूम, ये रूम का एंट्री यहाँ पर है एंड दिस इज माई रूम, ये है मेरा रूम। यस, लाजवाब होम स्टे का ये मज़ा है। दो दो बेड रहता है, अगर चाहो तो आप ज्वाइन कर लो और एक दो एक दो एक दो करके सो जाओ, एक भी सो सकते हो। और यहाँ पर देख सो, ये खाने के लिए यहाँ पर टेबल भी रखा हुआ है, पानी वानी दिया गया है। और यहाँ पर देखो एक दूसरा भी टेबल और टावल भी यहाँ पर है। यहाँ पर सोफ़ा भी लगा है, बैठ कर भी आप बैठ सकते हो यहाँ पर। तो अभी थोड़ा सा दिखाते हैं यहाँ का जो वॉशरूम है, दिस इज़ द वॉशरूम। ओके, बहुत क्लीन साफ सुथरा वॉशरूम है। यहाँ देखो मिरर भी लगा हुआ है, बहुत ही साफ सुथरा, और गीजर भी यहाँ पर लगा हुआ है, राइट। और ये बहुत ही नीट एंड क्लीन एंड साफ सुथरा, ये अमेजिंग ये रूम स्टे है, होम स्टे है। तो यहाँ का सबसे बढ़िया चीज़ मुझको लगा यहाँ का, ये आपको दिखाता हूँ साइड, यहाँ का जो रूम से ये जो ब्यूटीफुल नज़ारा आपको दिखाई देगा, वाह, जस्ट देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये नज़ारा आप एक्सप्लोर कर सकते हो घर बैठे ही। तो अभी आपको दिखाते हैं इस रूम का, इस होम स्टे का सबसे बढ़िया चीज़। यहाँ पे रूम होम स्टे में यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ है रहने के साथ, यहाँ पर आपको बराबर 4 टाइम खाना भी मिलता है, 4 टाइम्स खाना भी मिलता है। एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल खाने का जगह, यहाँ पर बैठ कर कुछ देर पहले ही मैं खा के गया था। दिस अमेजिंग अमेजिंग डेकोरेशन ओवर हियर, फूल मूल रखा हुआ है यहाँ पर देखो, और दिस इज़ द ब्यूटीफुल कप प्लेट्स ओवर हियर, राइट। एंड यहाँ पर एक किचन है, जब आप आओगे इस किचन से ही आपको खाना मिलेगा, आपके स्वादिष्ट एंड टेस्टी खाना। एंड शी इज आवर होस्ट ओवर हियर, राइट। ये दीदी है हम लोग के यहाँ पर जो इस होम स्टे का मालिक है। तो पहले दी आपका नाम थोड़ा सा बोलिए ना, व्हाट्स योर नेम? हेलो, माय नेम इज फूलाम शेरपा। पूनम शेर, ओके। आपका होम स्टे का नाम? गिले क्लास होम स्टे। गिले क्लास आपका किसका, पति का नाम है? नहीं नहीं, मेरा गिले बेटा का नाम है, मैं सन। ओके, बेटा का नाम से आपको। ओके, पहले तो मैं तो दो चीज बोला, आपका जो वो खाना बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही टेस्टी है। तो दो चीज बोलिए, यहाँ पर आपको तो कितने टाइम खाना देते हो आप लोग? यही ब्रेकफास्ट लंच डिनर, डिनर और शाम का टिफिन भी तो देते हो। तो 4 टाइम खाना आप लोग यहाँ पर सर्व करते हो। तो सुबह का मेनू क्या रहता है? मॉर्निंग में ये ऑप्शन में होता है, या तो रोटी सब्जी, या तो पूरी सब्जी, या तो नूडल्स। और दोपहर को लंच में? लंच में राइस, दाल, सब्जी, अंडा करी, अचार, सलाद। ओके, और शाम के टिफिन में क्या रहते हैं? इवनिंग टी विथ स्नैक्स में या तो वेज पकौड़ा होगा, या तो बिस्किट, और या तो पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न होगा, ओके, गुड। एंड डिनर में क्या रहता है? डिनर में रोटी खाने के लिए रोटी होगा, राइस खाने के लिए राइस विथ चिकन करी, चिकन और एक सब्जी होगा, एक सब्जी होगा। फाइन फाइन। सो भाई सोचो, इतना सारा खाना 4 टाइम आप ठूस ठूस के खाओगे, ओके, एंड प्यारी दीदी हम लोग के लिए बनाती है, ओके, राइट। तो एक चीज ऑनेस्टली बोलिए, एक होता है टूरिज्म के लिहाज से, एक होता है जस्ट लाइक ऑफ टाइम, एक होता है जस्ट लाइक पीक टाइम। तो इन जनरल आपके होम स्टे का पर हेड कितना खर्चा आता है एक दिन के? एक दिन में कितना रेट होता है, जो लोग गेस्ट आते हैं, सपोज जो मेरा सब्सक्राइबर लोग देख रहे हैं, कितना अमाउंट आप लोग चार्ज करते हैं ये सब? वैसे ही मतलब सीजन में हम लोग 1500-1200 ऐसा करते हैं, ऑफ सीजन में मिनिमम 1000 रुपीज पर हेड है। हजार रुपए में इतना सारा खाना, 4 टाइम खाना, प्लस इतना खूबसूरत माहौल में रहना, भाई होता है क्या आपके वहाँ पर? यहाँ पर नहीं होता, आपके ऊपर नहीं होता, पर पदमचिन में होता है, दीदी के गेस्ट हाउस में होता है। थैंक यू फॉर गिविंग सच अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी। ओके, तो चलिए ये तो हो गया पूरा। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा बोल दीजिए, इज होम्स आपका, आपके साथ कोई कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे कॉन्टेक्ट करें? डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या तो फैंटेसी हॉलीडे से भी कर सकता है। अच्छा, आपका नंबर थोड़ा सा बोल दीजिए। 9933437660। ओके, आपका ये व्हाट्सएप नंबर भी है? जी जी। ओके, इट इज योर व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर? जी। ओके, थैंक यू। तो नंबर मैं अलग से डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आपको मैं बोल भी दे रहा हूँ ऑल दिस थिंग्स। तो चलो पहले आपको और कुछ बोल देता हूँ, 4
टाइम खाना, 4 टाइम फूड आपको मिलेगा यहाँ पर। उसके साथ भाई आपको मिलेगा इस अमेजिंग एनवायरनमेंट में रहने का मौका। लुक एट सच अ ब्यूटीफुल अमेजिंग एनवायरनमेंट ओवर हियर। और आपको क्या मिलेगा, आपको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ। अगर आप आसपास घूमने के लिए भी जाओगे ना, यू विल फील गुड। सो थोड़ा सा नंबर आपको बोल देता हूँ, फ़ोन नंबर, ये जगह है पद्माचेन, फ़ोन नंबर है 9933437660। पद्माचेन का ये गेस्ट हाउस का नाम है गिले क्लास होम स्टे। गिले क्लास होम स्टे इस जगह का नाम है, राइट, एंड अमेजिंग। दीदी का तो नाम थोड़ा सा हटके है, मैंने लिख रखा था फुलहमू शेरपा, PHULHAMU शेरपा दीदी का नाम है। तो ये बराबर एकदम जगह है, ये देखो टूरिस्ट लोग यहाँ पर घूम रहे हैं सभी यहाँ पर। ओके, टूरिस्ट लोग यहाँ पर बैठकर आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, वहाँ पर बैठकर आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, बैल्कनी पे बैठकर टाइम स्पेंड कर सकते हो और पूरा सीनरी का मज़ा ले सकते हो यहाँ पर इस बदाम चिन के खूबसूरत सा इस गाँव में बैठकर, इस होम स्टे में बैठकर। तो कैसे आओगे गाइस, आप गैंगटॉक से भी आ सकते हो, जुलुक जाने के लिए रास्ते में पड़ता ही है, बहुत प्यारा सा ये गाँव, जा सकते हो यहाँ पर, बैठ सकते हो यहाँ पर। और अगर आप कैसे आओगे आपको पता नहीं, तो मेरा जो ये टोटल सिक्किम का सीरीज चल रहा है एकदम पहले से देखो, बैक टू बैक देखो, आपको पता चल जाएगा कैसे मैं यहाँ पर आया। 1000 रुपये में खाना रहना सब कुछ, सर सोचो कितना बढ़िया है। और दूसरा एक चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ, लेट मी शो यू वंस, चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ का बैल्कनी देखिए कैसा, कितना खूबसूरत डेकोरेशन है, फूलों से सजाया हुआ ये खूबसूरत सा ये बैल्कनी देखो, कितना हरे भरे पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पर फूल भी खिले हुए हैं एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। ये मतलब येलो येलो फ्लावर्स, और ये फूल को देखते हुए अगर आप ये पूरा नज़ारा का लुत्फ नहीं उठाया तो क्या हुआ। तो गाइस अमेजिंग अमेजिंग, कितना खूबसूरत जगह है और इतना कम पैसे में। अगर आप नेक्स्ट टाइम सिक्किम में आ रहे हो तो भाई ये पद्मचिन में तो अगर आने का प्लान कर रहे हो, बाय गॉड कुछ देर पहले मैंने लंच किया है, राइट, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग कितना लाजवाब बढ़िया खाना है। तो दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर पॉसिबल होगा इस होम स्टे में रहो, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, दिल से बोल रहा हूँ, इतना बढ़िया हेल्पफुल लोग हैं, इतना बढ़िया ये क्या बोलूँ, जस्ट लाइक टेस्टी खाना सर्व करते हैं और इतना कम खर्चे में करते हैं, बियॉन्ड ऑफ इमेजिनेशन। सो गाइस ये वीडियो देखकर अगर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल मिला, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड ऑफ कोर्स दोस्तों के साथ शेयर करके मेरा हेल्प करना मत भूलिएगा। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।